खबर शिवपुरी के देहात थाना क्षेत्र अंतर्गत गौशाला से आ रही है। यहां आपको बता दें कि देहात थाना क्षेत्र में एक साल पहले नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का एक मामला सामने आया था, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया था। जानकारी के मुताबिक एक साल पहले देहात थाना क्षेत्र अंतर्गत नाबालिग बालिका के साथ आरोपी रामजी लाल धाकड़ के द्वारा दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद देहात थाना पुलिस ने रामजी लाल धाकड़ के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कर लिया था। वहीं मामले में इसके बाद आरोपी फरार चल रहा था, जिसके घर पर आज मामा का बुलडोजर चला है। बताना होगा कि देहात थाना पुलिस अपने दल बल के साथ गौशाला मस्जिद के पास उसके अतिक्रमण पर पहुंची, जहां उसने दो पाटोर का अवैध निर्माण कर रखा था। दोनों पाटोर को ध्वस्त किया गया और आगे भी ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। कार्रवाई की गई है, क्या कारण है कार्रवाई का? ये एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का एक अपराध पंजीबद्ध थाना देहात में हुआ था। करीबन एक वर्ष पुराना अपराध है, जिसमें आरोपी रामजी लाल धाकड़ घटना दिनांक से फरार है, जो कि जिसको यहाँ कई वर्षों से यहाँ पे इसको अतिक्रमण की जगह बनाकर रह रहा था। उसमें दो पार्टर उसने बना रखी थी, तो जो कि फरार है अभी तक नहीं मिला है। उसकी ये जो अतिक्रमण में जो उसका कब्जा था, उसको आज कब्जा मुक्त किया गया। ऐसे सर कितने लोगों को चिन्हित किया गया है देहात थाने क्षेत्र में, जिनके ऊपर अपराध पंजीबद्ध हैं ऐसे, और उनके ऊपर आगे भी कार्रवाई की जाए? इसमें जो जिन गंभीर अपराध और महिला संबंधी दुष्कर्म के जो अपराध रहेंगे जिन लोगों पर, उन लोगों के की जो अवैध संपत्ति या जो अतिक्रमण की संपत्ति होगी, उन सभी पर कार्रवाई की जाएगी। इस परिवार में और कोई भी है? यहाँ पे इस परिवार में ये दो ही थे, और दो ही इसके ये कमरे बने हुए थे, इनको आज अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। तो नोटिस वगैरह चिपकाया था सर? हाँ, इसमें पूर्व में सूचना भी दी गई थी, नोटिस चस्पा किया गया है। ठीक है।